बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अब किसी से छिपी नहीं रही। खासतौर पर सरकारी अस्पताल के जो हालात है वो दिन पर दिन और दयनीय होते जा रहे हैं और सबसे अधिक इसका जिम्मेदार इसके वहां के डॉक्टर हैं। ताजा मामला समस्तीपुर सदर अस्पताल का है जहां डॉक्टरों की अपनी मनमानी चलती है। वे अपने समय पे आते हैं और ना तो वो समय पे ओपीडी पहुंचते हैं और ना ही इमरजेंसी वार्ड पहुंचते हैं। इसी कड़ी में जब डीटीवी भारत की टीम अस्पताल पहुंची और वहां का जायजा लिया तो वहां पे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बता दें कि रोस्टर के हिसाब से यानी उनकी जो शिफ्ट लगाई जाती है उस शिफ्ट के हिसाब से डॉक्टर एक घंटे लेट आते हैं और उसके बाद भी सुबह की बात करें तो सुबह सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद रहता है, दूसरा डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं था। रजिस्ट्रेशन काउंटर खुली थी, दवा काउंटर और जांच काउंटर का भी कमोबेश यही हाल था। अस्पताल परिसर में मरीज इधर उधर भटक रहे थे जिसे देखने वाला कोई नहीं था। निर्धारित समय से करीब एक घंटे विलंब से डॉक्टर पहुंचे जबकि एक घंटे बाद भी कई डॉक्टर के चेंबर में ताले लटके रहे। गरीब आदमी है, आए हैं आप दिखाने के लिए, डॉक्टर साहब देखबे नहीं करते, आबे नहीं करते टाइम पर, का दिखाएंगे। हसनपुर प्रखंड के दौदा पंचायत से आए हैं, आँख का गड़बड़ी है, डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं यहाँ, पुर्जा भी नहीं करता है। चश्मा लेना बजे तक नहीं रुकी, कितने बजे आते, कितने बजे डॉक्टर साहब आते? अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। कितना समय है? और इस पर अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सुनील, आप समस्तीपुर के सदर अस्पताल पहुंचे, वहां कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, डॉक्टर मौजूद नहीं थे, क्या इस संबंध में आपने कोई वरीय अधिकारी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की? जी, मैं बता दूं कि सुबह के 8 बजे में सदर अस्पताल समस्तीपुर का जायजा लेना पहुंचे तो कई तथ्य सामने आए जो हैरतगंज है, क्योंकि वहाँ कई अधिकारी या कई लगातार निरीक्षण होते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर मनमानी करते हैं, समय पर नहीं आते हैं। एक डॉक्टर के अलावा वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था और जो मरीज जो आते हैं 70-60 किलोमीटर से वो पहुंच जाते हैं लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन्हें घंटों लग जाते हैं। 9 बजे तक कोई वहाँ नहीं था, काफी चौकाने अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है लेकिन उसके कोई जो टेक्नीशियन होते हैं वो नहीं है। बिहार की जो सुशासन की सरकार है, स्वास्थ्य महकमा का बुरी तरह चरमरा गई है। जी शर्मिला, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई दिख रही है। और वहां पे आपने बात किया, मरीजों से बात किया, उनका क्या कहना है? मरीजों की कहना है तो डॉक्टर तो शायद कहीं मिल जाते हैं लेकिन उन्हें पर्चा थमा दिया जाता है जी। और बताया जाता है कि महंगी दवाई बाहर से खरीद लीजिए लेकिन जल्दी सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य योजना है, उन्हें जल्दी दवा की मुहैया करानी है लेकिन अस्पताल में कोई जल्दी की दुकान नहीं होने के कारण, जल्दी दवा नहीं होने के कारण उन्हें सस्ती दवा उन्हें नहीं मिल पाती है और उन्हें बाहर का दवा देखना जो काफी महंगी होती है। जी बिल्कुल, मरीजों को पर्चा थमा दिया जाता है और महंगे दवाइयों का उन्हें महंगे दवाई खरीदने पर मजबूर कर दिया जाता है और ये है बिहार के स्वास्थ्य, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह का है। और समस्तीपुर के सदर अस्पताल का ये हालात हमने आपको बताया।